ये कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बहार आई। जिस चार्मिंग एक्टर ने लाखों हसीनाओं का दिल लूटा था, उस एक्टर का दिल जिस हसीना ने जीता था, उनका नाम है कल्पना कार्तिक। सुरैया के साथ प्रेम के टूटने के गम में डूबे देव आनंद को जब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो इसी एक्ट्रेस ने उनके दिल के जख्म को भरा और उनके दिल में जगह बनाई। मिस शिमला के नाम से विख्यात कल्पना कार्तिक इतनी हसीन और प्यारी थी कि देव आनंद भी धीरे धीरे कल्पना कार्तिक के इश्क में गिरफ्तार होने लगे। पहला बादल, कल्पना कार्तिक ने महज 5 फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी अदायगी के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया। या पंछी अकेला है, अपनी पहली ही फिल्म से छा जाने वाली इस एक्ट्रेस ने कम फिल्मों में काम करने के बावजूद बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई थी। ओ देखो मने में ही रूठी हसीना, न जाने क्या बात है। उनकी खूबसूरती तो ऐसी थी कि सबको दीवाना बना देती थी, यहाँ तक कि उनकी खूबसूरती से सदाबहार अभिनेता देव आनंद भी नहीं बच पाए। इस वीडियो में उसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने फिल्मी दुनिया के सबसे हैंडसम एक्टर की जीवन संगनी बनने का सौभाग्य पाया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद के दिनों में डिप्रेशन में अकेले रहने को मजबूर होना पड़ा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और आप देख रहे हैं फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। कल्पना कार्तिक का जन्म 19 सितंबर 1931 को लाहौर में एक पंजाबी ईसाई परिवार में हुआ था। उनका असली नाम मोना सिंघा था, लेकिन देव आनंद के बड़े भाई चेतन आनंद ने अपनी कंपनी की फिल्म बाजी में साइन करते वक्त उनका नाम बदलकर कल्पना कार्तिक कर दिया था। उनके पिता गुरदासपुर में तहसीलदार थे और बंटवारे के बाद वह लाहौर छोड़कर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आकर बस गए थे। मोना सिंघा की शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई। वह शिमला के सेंट पीट्स कॉलेज की छात्रा थी और एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर मिस शिमला बन गई थी। उसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान मोना पर नजर पड़ी देव आनंद के भाई चेतन आनंद की। उसके बाद चेतन आनंद की पत्नी उमा ने उन्हें चेतन आनंद से मिलाया और चेतन आनंद ने अपनी कंपनी नवकेतन फिल्म्स में उन्हें काम करने का ऑफर दिया, फिल्म की हीरोइन बनने का। कल्पना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, तब प्रतियोगिता चल रही थी, उस वक्त चेतन आनंद की नजर मुझ पर पड़ी, उन्होंने मुझे फिल्म में काम करने का ऑफर दिया और साथ ही मुझे एक नया नाम कल्पना कार्तिक भी दिया। दरअसल मोना सिंघा और चेतन आनंद की पत्नी उमा पहले से ही एक दूसरे को जानती थी। देव आनंद के परिवार और मोना के परिवार के बीच 2 कनेक्शन थे। देव आनंद का परिवार पंजाब के गुरदासपुर में रहता था, जबकि मोना के पिता गुरदासपुर के बटाला में ही बतौर तहसीलदार तैनात रहे थे। हालांकि दूसरा कनेक्शन देव आनंद की भाभी उमा आनंद से था। मोना देव आनंद के भाई चेतन आनंद की सास की कजन थी। कल्पना कार्तिक ने चेतन आनंद के ऑफर को मान लिया और वह शिमला से चली आई मुंबई। यहां उन्हें चेतन आनंद ने सबसे पहले 1951 में आई फिल्म बाजी में काम दिया। कल्पना कार्तिक ने इस फिल्म में डॉक्टर का किरदार निभाया। इस फिल्म का निर्देशन किया था गुरुदत्त ने, जो बतौर डायरेक्टर गुरुदत्त की भी पहली ही फिल्म थी। पासी की शूटिंग के दौरान ही देव आनंद से कल्पना कार्तिक की दोस्ती बढ़ने लगी थी। छोड़ के साथ पिया मोना पाड़ो, मन के बात पिया मान लो। सुरैया के प्रेम के टूटने के गम से ताजा ताजा उबर रहे देव आनंद भी
धीरे धीरे कल्पना कार्तिक के इश्क में गिरफ्तार होने लगे। माना जाता है कि यह चेतन आनंद और उनकी पत्नी उमा का ही आइडिया था कि सुरैया की यादों से देव को निकालने के लिए देव के निकट किसी और को लाना होगा। ऐसे में दोनों फिल्म में काम करेंगे तो काफी दिन साथ रहने का मौका भी मिलेगा। उन दिनों फिल्मी पर्दे पर देवानंद का रोमानी अंदाज और उनका चार्म गजब का था। फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम अभिनेता में उनकी गिनती होती थी, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर हो या फिर रंगीन सिनेमा। खैर, बाजी तो सुपरहिट हो गई, लेकिन उसके बाद कल्पना कार्तिक के साथ 1953 में आई फिल्म हम सफर और आंधियां नहीं चली। तब योजना बनी टैक्सी ड्राइवर की, जिसकी कहानी और डायलॉग चेतन आनंद की पत्नी उमा और भाई विजय आनंद के हवाले कर दिए गए। इस फिल्म में भी देव आनंद और कल्पना कार्तिक थे। इस फिल्म में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी निकट आ गए। फिल्म की शूटिंग के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। कभी समंदर की लहरों के बीच अटखेलियां करते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते। ऐसे ही एक लॉन्ग ड्राइव के दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। देव आनंद ने कल्पना कार्तिक से कहा कि हम कल एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। कल्पना कार्तिक ने कहा, एंगेजमेंट नहीं, सीधे शादी होगी। देव आनंद ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत रिंग सोची है। लेकिन कल्पना कार्तिक ने सीधे शादी की जिद पकड़ ली। अगले दिन दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए। वहां 2 हफ्ते तक कोर्ट की दीवारों पर नोटिस चिपका रहा। 2 हफ्ते के बाद एक दिन टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान ही दोनों ने पूर्व योजना के अनुसार ऐसे गुप्त तरीके से शादी कर ली कि किसी को पता ही नहीं चला। शूटिंग के दौरान लंच के लिए ब्रेक हुआ। उसी समय दोनों के 2 दोस्त गवाह के तौर पर वहां आए। पूर्व योजना के अनुसार वह मैरिज रजिस्ट्रार भी आ गए। उनकी मौजूदगी में दोनों ने साइन किए। कल्पना कार्तिक को देवानंद ने रिंग पहनाई, एक दूसरे को मालाएं पहनाई और हो गई शादी। उसके तुरंत बाद दोनों फिर टैक्सी ड्राइवर फिल्म के सेट पर पहुंच गए। किसी को कानों कान भनक तक नहीं हुई और दोनों फिर से अपना सीन शूट करने लगे। सबसे पहले शक हुआ कैमरामैन राजा को। उन्होंने जोर से बोला, अरे इससे पहले के सीन में तो अंगूठी नहीं थी मोना के हाथ में। दरअसल उन्हें कपड़ों में दूसरी लोकेशन पर शूट था। उससे पहला सीन भी उसी दिन शूट हुआ था। कैमरामैन का शक तब और बढ़ गया जब कल्पना कार्तिक ने रिंग उतारने के बजाय कहा कि मैं इसे कैमरे में छुपा लूंगी। कैमरामैन हैरान था, लेकिन फिर उसे देवानंद ने इशारा किया, तब वो शांत हुआ। इस तरह इस खबर का एक और राजदार बढ़ गया था। लेकिन देवानंद ने महीनों तक यह खबर सबसे छुपाए रखी थी। इस तरह देवानंद और कल्पना कार्तिक की शादी का कोई औपचारिक समारोह ही नहीं हो पाया था। इस शादी के बाद भी देवानंद तो फिल्में बनाने में लगे रहे, लेकिन वर्ष 1957 में आई 9/11 कल्पना कार्तिक की आखिरी फिल्म रही। साल 1954 में हुई इस शादी के 2 साल बाद ही 1956 में ही कल्पना कार्तिक और देव आनंद माता पिता बन गए थे। फिल्में करते हुए देव आनंद की दोस्ती आगे भी कई महिलाओं के साथ हुई, लेकिन साल 2011 में देव आनंद की हुई मृत्यु तक 5 दशकों तक उनकी यह शादी चलती रही। शादी से कल्पना कार्तिक और देव साहब को 2 बच्चे भी हुए थे, एक पुत्र सुनील और एक पुत्री देवीना। कल्पना कार्तिक ने महज 5 ही फिल्मों में काम किया। कमाल की बात यह थी कि सभी फिल्मों में देव आनंद उनके नायक थे। हालांकि यह भी सही है कि सुरैया से शादी करने में नाकाम रहने के हताशा में देव आनंद ने जल्दबाजी में कल्पना कार्तिक को पत्नी बनाने का फैसला किया था। लेकिन शादी के बाद कल्पना कार्तिक ने अपने आप को केवल और केवल देव आनंद के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर से कहीं अधिक प्राथमिकता वैवाहिक जीवन को दी और फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। शादी के बाद
कल्पना कार्तिक ने महज एक फिल्म की शूटिंग पूरी की, जिसके बाद वह पूरी तरह से परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने में जुट गई। हालांकि उनकी इन 5 फिल्मों का करियर काफी छोटा जरूर था, लेकिन इस छोटे से करियर के जरिए वह जिंदगी भर अपने सफर को वजह और मायने दे पाने में कामयाब रही थी। लेकिन जवानदिल देव साहब को उम्र के उस पड़ाव पर तीसरी बार मोहब्बत हो गई जब उनकी शादी को 15 साल हो गए थे और जब उनके बेटे की उम्र 12 साल थी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में साथ काम करते करते देव आनंद को जीनत अमान से प्यार हो गया। धीरे धीरे जीनत अमान के प्रति देव आनंद की बेकरारी ऐसी बढ़ी कि जीनत अमान के बिना जीवन बिताना उनके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में काम करने के लिए जीनत अमान ने देव आनंद का दिल तोड़ दिया। हालांकि इस बार उनकी यह मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पाई। देव आनंद की उनकी पत्नी से दूरी बढ़ गई और वह पत्नी से अलग होटल में रहने लगे थे। लेकिन प्राग में चेक इंटरप्रेटर एलेना पर आशिक मिजाज देव आनंद का दिल आ गया। एलेना से नजदीकी को लेकर देव आनंद और कल्पना कार्तिक के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि उनका बेटा सुनील रोने लगा। देव आनंद के लिए फिल्में ही सब कुछ थी, लेकिन कल्पना कार्तिक के लिए परिवार ही सब कुछ था। एक इंटरव्यू में कल्पना कार्तिक ने कहा था कि ईश्वर ने उनको जो भी दिया उससे वह खुश है। कल्पना कार्तिक अपने बेटे सुनील, बेटी देवीना और पोती गिना पर जान लुटाती हैं। वह चेतन आनंद के बड़े बेटे और अपने भतीजे कुंकी को भी बहुत प्यार करती हैं। देव आनंद के जाने के बाद उनका जीवन कैसा रहा इसके बारे में वो कहती हैं कि लोग समझते हैं कि हम दोनों अलग हो गए थे, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। देव आनंद आज भी मेरे दिल में है और वह मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। बाद में कल्पना कार्तिक ने अपने आप को घर में ही सीमित कर लिया। अब उनकी उम्र करीब 90 साल की हो चुकी है। कल्पना कार्तिक लंबा वक्त चर्च में ही बिताती हैं। वे प्रार्थना करती हैं और ईसा मसीह की सेवा करती हैं। वह सार्वजनिक तौर पर कभी दिखी भी नहीं। देव आनंद के निधन के दौरान वह दिखाई पड़ी थी, लेकिन वह आज कहाँ है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता। कई साल पहले यह अफवाह जरूर उड़ी कि जादू टोने में व्यस्त रहने की वजह से वे अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। तो दोस्तों, आप कल्पना कार्तिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल्पना कार्तिक के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।